अस्सलामुअलैकुम, खबर की दुनिया में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अशमजान और मैं सैयद आयशा नाज। बुलेटिन का आगाज दुनिया हेडलाइंस से। शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीरान शाह में ड्रोन हमला, 18 अफराद हलाक। अफगान आर्मी चीफ ने दावा किया है कि ड्रोन हमले सिर्फ पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ किए जाते हैं। फहरिस्त भी पाकिस्तान ने अमरीका को दी। पिशावर के करीब एफआर के इलाके में चेक पोस्ट पर शिद्दत पसंदों का हमला, फ्रंटियर कांस्टेबल के 6 जवान शहीद। गुजरांवाला के करीब किला दीदार सिंह में 12 साल बच्ची की लाश कब्र से निकाल कर बेहुरमती, अहले इलाका का एहतजाज। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस, मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात की छानबीन, तहकीकात का दायरा दुबई तक बढ़ा दिया गया। छापों के दौरान बरामद दस्तावेजात का फोरेंसिक मुआहिदा। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान नए कर्ज पर मामला तय पा गए। 5.5 अरब डॉलर तक कर्ज मिलने का इम्कान, बाजाब्ता दरखास्त आज दी जाएगी। हुकूमत ने डॉक्टर आफिया की अमरीका से रिहाई के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी, 10 दिन में रिपोर्ट वजीर दाखिला को पेश करेगी। नजम सेठी का कहना है कि आईसीसी ने आमिर की सजा पर नजरसानी के लिए कमेटी बना दी, गैर सरकारी तौर पर टीमें पाकिस्तान बुलाने की कोशिश करेंगे। सदर मुर्सी का इख्तदार छोड़ने से इनकार, काहिरा यूनिवर्सिटी में झड़पों में 16 अफराद हलाक, 200 जख्मी। फौजी सरबराह भी डट गए, कहते हैं फैसले की घड़ी आन पहुंची। स्नोडन की मौजूदगी की तलाश पर ऑस्ट्रिया ने बोलीवियन सदर का तैयारा वियाना में उतार लिया। बोलीविया का एहतजाज, तैयारे से स्नोडन ना निकले। और दुनिया को बचाने वाले सुपर हीरोज बच्चों के इशारे पर उड़ने लगे, सैन डियागो में रिमोट कंट्रोल सुपरमैन और आयरन मैन तैयार।